हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं I'm not going to be able to do it.
अभी जो नोकवे कॉलोनी नमोक नोकवे मोरोंग का वीमेंस लुक जो परफॉर्मेंस हो रहे हैं ग्रुप डांस फोक डांस कंपटीशन हो रहे हैं अभी जो ये फर्स्ट जो कहो कहो गोंग गोंग बजी गोंग गोंग गेस्ट स्मी मेरम वंशा सेक्रेटरी WW सोसाइटी रेस्पेक्टेड फिर हम लोंकाई तेजरात कंसरेंट सेक्रेटरी लोंकाई सोसाइटी रेस्पेक्टेड इंचार्ज Tuiti ara malai yuvansi Uinu mene gali te kobe Janpai sake gaulu bahanga Uinu mene gali te kobe Janpai sake gaulu bahanga Madhu chui te baku paiku namadhan ba Madhu chuli tei baku humi di madhan ba Sugu sugu sigi sigi le Sugu sugu sigi sigi le Longta nipu madhale chunu le hamba Chunu lipu madhale kenjale hamba Chunu lipu madhale kenjale hamba
ये इंटरनेशनल वुमेन डे है और ये हर जगह मनाया जाता है। इसका मनाने का कारण यही है कि वुमेन बहुत ही फील्ड में, बहुत ही कार्य में बहुत ही आगे हैं। जैसे कि पायलट हो, वुमेन है, आजकल क्या कुछ नहीं कर सकते हैं वुमेन, तो उसको ही हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। वुमेन टीचर है, वुमेन पायलट है, वुमेन इंजीनियर है, वुमेन डॉक्टर है, वुमेन साइंटिस्ट है, हर जगह वुमेन का ही बोलबाला है। तो हम भी क्यों पीछे रहें, हर उस वुमेन की तरह हमको भी आगे आना है, हमें भी आगे बढ़ना है और हम लोगों को एजुकेटेड बनाना है, हर फील्ड में आगे रहना है। बस कोई एजुकेटेड है, कोई वुमेन हो, कोई माँ हो, कोई दीदी हो, कोई भी एजुकेटेड है तो वो फैमिली आगे जरूर बढ़ेगी, और फैमिली आगे मतलब सोसाइटी आगे। तो इसलिए एजुकेटेड करना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, अर्ली मैरिज नहीं करना है। SWWS का फुल फॉर्म है शोंकू वांचो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी। तो ये शायद आप सभी को पता होगा कि शोंकू वांचो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने क्या काम किया है, किस तरह से ये आगे हैं, आप लोगों का किस तरह से साथ दे रहे हैं, ये सभी आप सभी को पता होगा। SWWS का फॉर्मेशन हुआ था 2001 को, जिसको लीड किया था हमारे मुनखा मैडम जी ने। वो सोनली एक ही ऐसा इंसान थी जिन्होंने अपना सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए सोचा। उन्होंने अकेला ही इस सोसाइटी को शुरुआत किया था। उसके बाद उनके साथ दो तीन ऐसे महिलाएं जुड़े जिन्होंने उनका साथ दिया और उनका काम, उनका हाथ बटाया। इसका SWWS का रजिस्ट्रेशन हुआ था 14th February। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ओल्ड लुक को भी इतना अच्छा से करेगा उनके, लेकिन बहुत ही अच्छा किया आप लोगों ने। आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोग एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं मामे पूछनिया नम प्रोग्राम मई ममेगा ताइका मग फैशन शो एंड डांस ने अगर कम मई का हम बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। एंड जो फोक सॉन्ग फोकलोर जो जिसने यूथ लोग ने गाया, यंग लेडी लोग ने गाया, वो भी बहुत अच्छा रहा। तो इस तरह से प्रिजर्व करना है हम लोगों को, अपना कल्चर को, अपना ट्रेडिशन को, हम लोगों उसको गायब होने नहीं देना है। इसका वजह से ही हम लोगों ने ये फैसला लिया।